मैं हंसी लिखता हूँ, मैं रुसवाई भी लिखता हूँ, मैं हंसी लिखता हूँ, मैं रुसवाई भी लिखता हूँ, मैं मिलन लिखता हूँ, मैं जुदाई भी लिखता हूँ। मैं हंसी लिखता हूँ, मैं रुसवाई भी लिखता हूँ, मैं मिलन लिखता हूँ, मैं जुदाई भी लिखता हूँ। मैं इश्क लिखता हूँ, मैं इश्क लिखता हूँ, मैं बेवफाई भी लिखता हूँ। मैं खुशी के पल लिखता हूँ, मैं खुशी के पल लिखता हूँ, मैं तन्हाई भी लिखता हूँ। मैं लिखता हूँ हर मुमकिन जज्बात, मैं लिखता हूँ हर मुमकिन जज्बात, मैं अपनी आप बीती भी लिखता हूँ, मैं बातें पराई भी लिखता हूँ, मैं हंसी लिखता हूँ। और ये एक कविता है जो मतलब मेरे बहुत नज़दीक है। इससे पहले मैंने ये कविता पढ़ी थी, पर उस टाइम पे ऐसा हुआ था कि वहाँ पे कोई था नहीं, हम दो तीन लोग ही थे। जो ये कविता है ये मतलब मेरे जहन के बहुत करीब है, ठीक है, और आजकल जो चल रहा है उसी से मिली हुई है। तो कविता कुछ ऐसे है कि आज अचानक जागा मैं, हर सुबह तो आंखें खुलती थी, देखा एक ख्वाब रात में जिसकी परछाई जहन में धुंधली थी। एक चिल्लाती बच्ची देखी थी, एक चिल्लाती बच्ची देखी थी जो पेट में माँ के पलती थी, कहे जा रही मत मार मुझे माँ, मैं लड़की हूँ इसमें मेरी क्या गलती थी। कहे जा रही मत मार मुझे माँ, मैं बेटी हूँ इसमें मेरी क्या गलती थी। अच्छे से मुझे याद नहीं, अच्छे से मुझे याद नहीं, खून से लथपथ देखा उसे, पास पड़े एक कूड़ेदान में बिना आग वो जलती थी। ये कविता मैंने लिखी थी 17 दिसंबर 2012 में, और 16 दिसंबर को क्या हुआ था शायद आप सबको पता होगा दिल्ली वालों को। तो ये मैंने कविता जब मैं अगले दिन सुबह उठा तब की लिखी हुई कविता है। तो पास पड़े एक कूड़ेदान में बिना आग वो जलती थी। अब आगे का मतलब देखिएगा आप कि फिर देखा हैवान राज, फिर देखा हैवान राज, उसे देख रूह मेरी झुलसी थी, एक लाचार लड़की थी शायद, एक लाचार लड़की थी शायद, जो लाज बचाने को अपनी लड़ती थी। कोई एक नहीं हजारों थी, कोई एक नहीं हजारों थी, जो टूटी कली सी मसली थी। इतनी जनता की भीड़ में पहचानूं कैसे, इतनी जनता की भीड़ में पहचानूं कैसे, उन हैवानों की शक्लें इनमें किस तस्वीर से मिलती थी। इतनी जनता की भीड़ में पहचानूं कैसे, उन हैवानों की शक्लें इनमें किस तस्वीर से मिलती थी। आज चेहरे सबके एक से, आज चेहरे सबके एक से, हवस बसी सबकी नजरों में, चार बलात्कार कर रहे पर पास से सारी दुनिया गुजरी थी, चार बलात्कार कर रहे पर पास से सारी दुनिया गुजरी थी। कोई बचा ले दूर की बातें, कोई बचा ले दूर की बातें, छोड़ो इनको जाने दो, तन ढकने को उस बाला पे एक गज चादर नहीं दिखती थी, तन ढकने को उस बाला पे एक गज चादर नहीं दिखती थी। वहसी संसार दरिंदों का ये, वहसी संसार दरिंदों का ये, मैं देख अचंभित खड़ा रहा, माँ बहन नहीं क्या इन जानवरों की, मेरे मुख से चीख बस यही निकली थी। और आगे है कि तभी आँख खुल गई मेरी, सोचा कल्पना ये मेरे मन की थी, उसी दिन शाम की बात कर रहा हूँ मैं, कि तभी आँख खुल गई मेरी, सोचा कल्पना ये मेरे मन की थी, पर जब निकला एक अनजान सड़क पर तो पाया सच ख्वाब था मेरा कि पाप में दुनिया डूबी थी। शोर शराबा हाहाकार हर तरफ, मुझे बचा लो उसे सजा दो, यही चीत्कार हर तरफ, मैं भी लयबद्ध हो चला उनके संग, सोचा शायद ये जागे इंसानों की रैली थी। पर अब भी अफसोस मुझे है, ख्वाब में देखा था जिनको तमाशा देखते मैंने, वो भी जलसे में शामिल थे, क्या इंसानों की चादर ओढ़े, ये हैवानों की टोली थी। और आखिरी कुछ पंक्तियां हैं कि अंधे कानून से इंसाफ मांग रहे थे वो, अंधे कानून से इंसाफ मांग रहे थे वो, क्या खुद नहीं कल उनकी आंखों पर काली पट्टी थी। अपनी बहन बेटी असुरक्षित लगती आज, क्या कीमत कल कम थी उस चुनरी की जो कल उनके सामने उछली थी। आज जाना सच संसार बदल गया, आज नारियां असुरक्षित हैं, क्या यह वही भारत है, क्या यह वही भारत है जहां लक्ष्मी दुर्गा माँ पूजती थी। और
आज अचानक जागा मैं, हर सुबह तो आंखें खुलती थी। इस कविता के बाद मैं मतलब एक शेर के साथ अपने बात खत्म करूंगा कि मैं तेरे सवालों का जवाब ना सही, ये बिल्कुल अलग हो जाएगा उस चीज से कि मैं तेरे सवालों का जवाब ना सही, तेरी जिंदगी का एक अनसुलझा सवाल रहूंगा मैं तेरे जहन में शायद अब कोई ख्याल भी नहीं, पर तेरी जिंदगी का एक अधूरा ख्वाब रहूंगा मैं। हाँ सच है नहीं राजा मैं तेरी कहानी का, हाँ सच है नहीं मैं राजा अब तेरी कहानी का, पर तेरी कहानी का एक अहम किरदार रहूंगा मैं। और आखिरी दो लाइनें हैं, इसके साथ मैं आप लोगों से विदा लूंगा कि भुलाने की कोशिश करके देख लेना तू हर मुमकिन, भुलाने की कोशिश करके देख लेना तू हर मुमकिन, तेरी यादों में जगमगाता जुगनू यादगार रहूंगा मैं तेरे सवालों का जवाब न सही, पर तेरी जिंदगी का एक अनसुलझा सवाल रहूंगा मैं। धन्यवाद।